नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आपके अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर नहीं है, तो नॉमिनी रजिस्टर आप घर बैठे कैसे कर सकते हो। अगर नॉमिनी रजिस्टर है और उसको आपको चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नॉमिनी मतलब क्या? नॉमिनी मतलब मानो कि आपका कोई एक अकाउंट है, अगर आपको कल उठ के कुछ हो जाता है तो पैसा किसको मिले, उसको नॉमिनी बोलते हैं। जनरली उसको वारसदार भी बोला जाता है। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जिसमें नॉमिनी रजिस्टर नहीं है, बैंक की तरफ से काफ़ी इन्फॉर्म किया जा रहा है, जैसे बैंक मैसेज भेज रहा है। बैंक के अगर आप ब्रांच प्रीमाइसिस में जाओगे तो बोर्ड वगैरह भी लगाए जाते हैं कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करवा लीजिए। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो आप आज ही अपना नॉमिनी रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि अगर अकाउंट आपको कुछ हो जाता है फिर अकाउंट क्लोज करने टाइम आपके पीछे जो भी होगा उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पेटीनामा वगैरह बनवाना पड़ता है, उसमें लंबा चौड़ा खर्चा भी हो जाता है। इससे अच्छा आप नॉमिनी अपॉइंट कर दीजिए, काफ़ी सिंपल और एकदम इजी प्रोसेस है। ब्रांच जाके भी आप कर सकते हो फॉर्म फिलअप करके। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप घर बैठे नॉमिनी कैसे अपॉइंट कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल बैंकिंग से। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग नहीं यूज़ कर रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग एम कनेक्ट प्लस का। काफ़ी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, उसके अंदर 190 अबो उतनी सर्विस अंदर आप ले सकते हो घर बैठे मोबाइल बैंकिंग। काफ़ी अच्छा एक एप्लीकेशन है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है BOB एम कनेक्ट प्लस, उसमें आपको सिंपल लॉगिन हो जाना है। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं, एंटर होते हैं, हमारे सामने पासवर्ड डिमांड करता है। आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे मेनू दिए गए हैं। इसमें हमको ए वाले मेनू में चले जाना है, रिक्वेस्ट सर्विस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाता है इस टाइप का कुछ। इसमें यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनी रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे आधार अपडेट है, उसके नीचे ऑप्शन दिया गया है नॉमिनी रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आप पढ़ सकते हो। फिर इसके ऊपर आपको सिंपल ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप के जितने भी अकाउंट होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो भी होगा सब यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे 3 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें नॉमिनी नहीं है, तो मैं पहला वाला ये सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सब डिटेल आ गया है, ये डिटेल आपको सब फुलफिल करना है। यहाँ पे नॉमिनी अवेलेबल नो मतलब ये खाते में नॉमिनी नहीं है, ऐड करना है, इसलिए ऐड हम करेंगे। फिर यहाँ पे नॉमिनी डिटेल नॉमिनी नेम लिखना है। यहाँ पे आप अपना नॉमिनी नेम लिख दीजिए, आपका फादर मदर वाइफ जिसको भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे मेरा नॉमिनी नेम ऐड कर दे रहा हूँ। नॉमिनी नेम लिखने के बाद आपको रिलेशन ऊपर रिलेशन सिंपल सिलेक्ट करना है, क्या रिलेशन है। यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करके आपका नॉमिनी नेम, रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, स्टेट और एड्रेस और पिन कोड, इतना डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। फिर सिंपल आपको प्रोसेस कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो जो डिटेल डाला है वो आप देख लीजिए, कन्फर्म बराबर है, आज ही बराबर है, फिर ओके कर दीजिए। फिर से एक बार शो करेगा ये, आप डिटेल कंफर्म करके कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका एम पिन डाल देना है। जैसे आप एम पिन एंटर करोगे, एम पिन मतलब दूसरा वाला पासवर्ड, तो नॉमिनी एडेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हो नॉमिनी एड हो गया है। काफ़ी सिंपल और एकदम ईजी प्रोसेस है। आपको ब्रांच भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप नॉमिनी, जैसे ही नॉमिनी एड होता है आपके सामने देखो ये बैंक ऑफ बड़ौदा से मैसेज भी आ गया है कि आपका नॉमिनी ये अकाउंट में ऐड हो गया है, ये रेफरेंस नंबर है। तो देखा दोस्तों आपने,